Good morning all of you and welcome to online classes of Maharana Pratap International Academy Sagwada. Today we will discuss about the central government and its organ. आज हम केंद्र सरकार और उसके अंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. There are three organs of central government. First, legislature, executive and judiciary. How many organs of central government? Three organs, legislature, executive and judiciary. हिंदी में हम समझेंगे इसको. केंद्र सरकार जो है उसके तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका. कितने अंग हो गए? केंद्र सरकार जो है उसके तीन अंग हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका. वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लेजिस्लेचर को दो तरह से मेंशन किया गया है, फेडरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर. जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है उसको हम फेडरल लेजिस्लेचर कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फेडरल लेजिस्लेचर. इस चैप्टर में हम केंद्र सरकार की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फेडरल लेजिस्लेचर का जो मेन पार्ट जो है इसको संसद कहा गया है, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मीन्स संसद. इन आर्टिकल 79, पार्लियामेंट इज मेंशन इन आर्टिकल 79 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में पार्लियामेंट को मेंशन किया गया है. पार्लियामेंट यानी कि संसद. पार्लियामेंट जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, या इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसके भी तीन पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. लोकसभा को हम अलग अलग प्रकार के नामों से जान सकते हैं, जैसे लोकसभा को लोकसभा भी कह सकते हैं, इसको हम लोअर हाउस भी कह सकते हैं, नॉन परमानेंट हाउस भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, और लास्ट में इसको हम अगर बोलना चाहें तो फर्स्ट हाउस भी कह सकते हैं. हिंदी में समझेंगे, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, या इसको हम प्राथमिक सदन या प्रथम सदन के नाम से भी जान सकते हैं. तो लोकसभा को नॉन परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ अगर हम देखें, नॉन परमानेंट हाउस का मतलब अस्थाई सदन. वैसे लोकसभा जो है उसका एक फिक्स टेन्यूर होता है, मतलब फिक्स कार्यकाल होता है. लोकसभा के जो मेंबर्स जो होते हैं वो 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं, लेकिन इसको अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में इसको डिजोल्व कर सकते हैं. मतलब ये कोई परमानेंट हाउस नहीं है, इसका टेन्यूर 5 ईयर का है, लेकिन इसको 5 ईयर के पहले भी डिजोल्व किया जा सकता है. इस वजह से लोकसभा जो है इसको हम नॉन परमानेंट हाउस कहते हैं. हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि इसके जो मेंबर जो हैं वो पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल, या जो ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसकी तरह से हम समझ सकते हैं. तो लोकसभा को लोकसभा, लोअर हाउस नॉन परमानेंट हाउस, हाउस ऑफ पीपल्स और फर्स्ट हाउस के नाम से जानते हैं, निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन और प्राथमिक सदन या प्रथम सदन. उसी तरह से हमारा संसद या पार्लियामेंट का दूसरा जो पार्ट है वो है राज्यसभा. राज्यसभा को राज्यसभा, अपर हाउस, परमानेंट हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेकेंड हाउस के नाम से जानते हैं. अपर हाउस मतलब उच्च सदन, परमानेंट हाउस यानी कि स्थाई सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों की परिषद, और सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय सदन या द्वितीय हाउस. जैसे अभी हमने कहा था कि लोकसभा जो है वो एक नॉन परमानेंट हाउस है, उसके जस्ट अपोजिट राज्यसभा जो है वो हमारा एक परमानेंट हाउस है. क्यों परमानेंट हाउस है? बिकॉज राज्यसभा जो है उसके मेंबर्स जो हैं उसका टेन्यूर जो होता है वो 6 ईयर का होता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो एक फिक्स हाउस है, इसको किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. जैसे लोकसभा को 5 ईयर के पहले भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में प्रेसिडेंट जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं, बट राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, इसको किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. अब सवाल ये उठता है कि अगर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है तो इसके मेंबर किस तरह से चुने जाते हैं? तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लेकिन उसके जो मेंबर जो हैं
उनका एक फिक्स टेन्यूर होता है 6 ईयर, और हर 6 ईयर जिस भी मेंबर्स का 6 ईयर का टेन्यूर कंप्लीट हो जाता है, ऐसे मेंबर्स हर 2 साल बाद आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर विल बी रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा। ऐसे मेंबर जिनका 6 ईयर का टेन्यूर कंप्लीट हो चुका है वो राज्यसभा से रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर 1/3 मेंबर जो हैं वो दूसरे आ जाएंगे। तीसरा हमारा पार्लियामेंट का पार्ट हो गया राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज आल्सो नाउन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। एक बार हम फिर समझ लेते हैं, पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा को लोकसभा, लोअर हाउस, नॉन परमानेंट हाउस, हाउस ऑफ पीपल और फर्स्ट हाउस कह सकते हैं, निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन और प्राथमिक सदन। सेकंड हो गया राज्यसभा, अपर हाउस, परमानेंट हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेकंड हाउस। राज्यसभा, उच्च सदन, स्थाई सदन और राज्यों की परिषद और द्वितीय सदन। और नेक्स्ट तीसरा हमारा है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, जिसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है उसके मेंबर कितने होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन कैसा होता है।